ये पौधों की ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है पौधों की इस तरीके से। ये लगे हुए पौधे ग्रीन हो गए हैं पूरे, इस तरीके से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा पौधा। ये जानवर खा गए थे पशु, लेकिन ये जाम गया है, तो इस तरीके से गुड़हल के फूल। पानी पिलाया जा रहा है आज। ये तो सूख गया है, कुछ में कंचा फूट रहा है, कुछ में पौधे पकड़ लिए हैं इस तरीके से, बीज जाम रहे हैं अभी। ये भी हो गया है हरा इस तरीके से। पौधे लग गए हैं, ये लगे हुए हैं प्रेमचंद जी और सिद्धू साहब लगे हैं हमारे साथ में, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा पौधे लगा दें इस तरीके से। सब छोटे छोटे जाम गए हैं, वेरी गुड, जाम गए हैं। ये हमारे भाई हैं, इस तरीके से ग्रीनरी आ रही है, ग्रीनरी अच्छी आ रही है। हाँ, पौधे फूटने लग गए हैं। कोई बुला रहा है क्या, माता जी कोई बुला रही है क्या? मैं ज़रा आखिरी तक पौधों का मॉनिटरिंग करके आता हूँ, है ना? आप दोनों लोग एक बार क्वालिटी चेक कर लो, साथ चलेंगे। हाँ, एक बार देखिए कोई कोई पौधे अगर उखड़ रहे हो, हाँ उसको फिट कर दिया जाए, एक बार देख लिया जाए जाम कैसा है, तो वो पौधे रिप्लेस कर दिया जाए। मेरा प्लान था ये जो है ना, ये जो मेड़ बनी है इसके ऊपर भी कुछ पौधे लग जाए, तो ये मिट्टी होल्ड करेगा। ये जो है ना, यहाँ पे छोटे घास लग जाए। हाँ अच्छा, लेकिन वो फिर गर्मी में वो हो जाएगा, गर्मी में हवा भी पास होगी। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है इंद्रधनुष, वाह ब्यूटीफुल इंद्रधनुष लग रहा है, कहीं बारिश हुई है ज़बरदस्त। हाँ वेरी नाइस, ठीक है ना? हाँ वेरी नाइस, गुड जॉब। ये आपने एक साथ चार बो दिए हैं, ये देखो उखाड़ के देखिए आप। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, डन 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 डन, नहीं 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 बिल्कुल सही है, अभी उखाड़ूंगा दिखाऊंगा अभी। एक ही है,
अच्छी है कहीं। अच्छे हाँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बड़ी मेहनत की है मैंने उसमें। वहाँ तक जो है इसमें बोया है मक्का और बाजरा, और उसका एक ही ओनली वन पर्पस। ये देखिए ये भी जड़ है, ओनली ऑन ओनली वन पर्पस। पूछो क्या, सिर्फ और सिर्फ इनको हरा चारा मिला। नहीं नहीं ऐसा मत करिए साहब, दो जगह लगाइए, नो मोर बेईमानी, वो जड़ पकड़ेगा। ये देखिए ये जो है ना कल बोया गया इसमें, और कल बारिश हो गई, कम से कम 6-7 दिन बाद जाएगा, 6 दिन बाद कम से कम अभी जब ये हरियाली आएगी तो और खूबसूरत लगेगा। लेट्स गो, लेट्स गो, यहीं से एक वॉक करते हुए चलेंगे, एक बार क्वालिटी चेक कर लें। ये खुरपी हो जो मारा गड़ा दे, ये है ना एक गड्ढा, एक ऐसी लंबा लंबा भी कर दिया जाएगा। अरे चाचा की वजह से पूरा काम हो पा रहा है, फुल टाइम, ऑल टाइम, एवरी टाइम। और तुम्हें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इस उम्र में भी ये पर्यावरण के लिए इतना सोचते हैं। वरना तो मैंने सिर्फ किताबों में लोग बातें करेंगे ना पर्यावरण पे, घंटों लेक्चर देंगे, घंटों मीटिंग करेंगे, हैं, लेकिन अगर पर्यावरण पे काम करने के लिए बोल दें तो कुछ नहीं, साफ सफाई पे घंटों लेक्चर देंगे। नहीं ना, साफ सफाई पे भी घंटों लेक्चर देंगे। ये देखिए ये चार लेयर लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए बीच बीच में बेल लगे हुए हैं। किस चीज़ का पौधा लगा? ये करौंदा नींबू है, करौंदा नींबू घास, ठीक है। और उधर फूल है, वो देख रहे हो बाउंड्री पे, ये चमेली के फूल हैं, ये देख रहे हो, ये चमेली के कल 170 जो है 170 पौधे लगाए गए यहाँ पे, 170, और अभी और लगाने हैं। पूछो क्यों, इसमें मुझे लगाने गुलहड़ के जितने भी फूल आते हैं ना वो भी लगाने हैं, और गेंदे के फूल लगाने हैं चारों तरफ। अभी ना ये पूरा सिक्योर हो जाएगा, मेरा प्लान है इन फ्यूचर, है ना। ये देखो ये जड़ पकड़ लिया, कितना अच्छा पकड़ लिया, इसको खा गए थे सब, कितना अच्छा हो गया देखो। अभी हो गया।